हेलो दोस्तों, मैं हूं गंगा और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम सिर्फ दो चीज़ों से एक इतना हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी इसे कैसे स्टोर करके रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रख लेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कली। ये लहसुन की कली मैंने कूट के डाली है। इन्हें हम चला लेंगे, इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। थोड़ा चलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। ये सारी प्रोसेस हमें मीडियम आंच पे करना है, आंच तेज बिल्कुल नहीं रखना है। पानी को हम एक उबाल आने तक ही पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे चलाते हुए पकाना है। ये हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम ले लेंगे 2 मीडियम साइज के आलू, जो उबले हुए मैंने मेस कर लिए हैं, वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। इन्हें डालने के बाद हमें इन्हें भी चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाना है। ये हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इन सारी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने तक इसे ही छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से गुम्मी लगाते हुए हम इसे नरम तैयार करेंगे। ये देखिए, अच्छे से गुम्मी लगा लेना है हमें। ये अच्छे से नरम हो चुका है। अब हम चलेंगे रोलिंग बोर्ड पर और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे पहले और फिर इसे इसके ऊपर रख कर रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे रोल करना है। ये हमारा डो अच्छे से रोल हो चुका है। अब इससे हम 4 पार्ट में काट लेंगे। ये हटा देंगे और एक पार्ट को हम लेके इसे रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे बराबर भाग में काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है और इसे अब हम हाथों से सेब दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसे हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से हमने बना लिया है। इसी तरीके से हमें सारे डो के नगेट्स बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर तेल डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद इन्हें एक एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को लेकर आपके मन में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब तुरंत दूंगी। ये देखिए हमारे नगेट्स बहुत ही अच्छी तरह से फूल रहे हैं। इन्हें चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सीखे। आप देख पा रहे होंगे इन नगेट्स में कलर आ रहा है। इन्हें हमें थोड़ा ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं तलना है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये नाश्ता बना है। बहुत झटपट से बनने वाला ये नाश्ता है तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं। ये देखिए, और जब भी आप चाहें कि इसे बनाकर हम स्टोरेज करना है तो इस तरीके से आप बनाकर इन्हें फ्रीजर में रख सकते हैं और मेहमान के आने पर आप इसे 5 मिनट में फ्राई करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं हम एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।